तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत जिसका नाम जेनी है उसे हम रिवर के किनारे बैठे हुए देखते हैं। वो वहाँ बहुत उदास थी और वो अपनी इंगेज रिंग देखकर रो रही थी। वो उस टाइम काफी इमोशनल थी। फिर वो अपनी इंगेज रिंग को उंगली से निकालकर उस नदी में फेंक देती है और हम देखते हैं कि वो रिंग नदी की गहराई में चली जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद जेनी स्विमिंग सूट पहनकर एक छोटी सी नाव में रिवर की सैर करने के लिए निकल जाती है। शायद वो थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहती थी। जेनी अब धीरे धीरे नदी में काफी आगे निकल जाती है। रास्ते में वो ब्रिज के नीचे से भी निकलती है। उस ब्रिज के नीचे कुछ अजीब सी वॉल प्रिंटिंग थी। जेनी कुछ समझ नहीं पाती है। असल में उस ब्रिज के नीचे एक औरत का चेहरा बना हुआ था और लिखा हुआ था कि पानी की इस चीज से सावधान रहे। लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो फिर और आगे निकल जाती है। जहाँ पर बहुत शांति थी और हर तरफ पानी और पेड़ ही थे, उसका ध्यान बिल्कुल भी आसपास की चीजों पर नहीं जा रहा था। जब वो काफी आगे निकल जाती है तो वो एक बोर्ड नहीं देख पाती है जिसमें लिखा हुआ था डीप वाटर, यानी कि पानी बहुत गहरा है और स्विमिंग अलाउड नहीं है। लेकिन वो उस बोर्ड को नहीं देख पाती है और वो काफी आगे निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी नाव को एक जगह ठहरा कर अपने दोनों हाथ पानी में रख कर कुछ रिलैक्स फील करती है। और फिर तभी उसे एक कॉल आती है। वो कॉल उसके बॉयफ्रेंड की होती है जिसकी वजह से वो अपसेट थी। वो उससे बात ही कर रही थी तभी उसे बोर्ड के नीचे से कुछ हलचल महसूस होती है। वो अपना फोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत दूर सामने उसे पानी के अंदर से कुछ हलचल की आवाज आती है। वो ध्यान से देखती है तो पानी के अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही थी। तभी वो अपना मोबाइल उठाती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। फिर जब वो उसे जूम करती है तो वे एक औरत का सर होता है जो उसे ही देख रही थी। असल में ये वही भयानक औरत थी जिसका फोटो उस ब्रिज की वॉल पर बना हुआ था। उसे देखकर जेनी के हाथ से मोबाइल पानी के अंदर गिर जाता है। जेनी अपना फोन पानी से निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जेनी मुश्किल से पानी के ऊपर आती है और जब वो अपने आसपास देखती है तो पानी से निकलते हुए आदमियों के सर उसे नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है और स्विमिंग करके अपनी बोट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक भूतिया कंकाल ऊपर निकलता है और जेनी को पानी में खींचने लगता है और उस वजह से जेनी का स्विमिंग सूट उतर जाता है। वो अपनी बोट की तरफ जल्दी से स्विमिंग करके जाने लगती है। जेनी नाव पर पहुंचकर उसमें से एक छोटा चाकू निकाल लेती है और आसपास देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो अपनी छोटी सी नाव को और आगे लेकर चली जाती है। नदी के किनारे ग्राउंड पर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जेनी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि वो यहाँ खेलने आई है। जेनी उसको कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, प्लीज उन्हें बुला कर लाओ, मुझे उनकी मदद की जरूरत है। फिर वो बच्ची अपने पेरेंट्स को बुलाने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी नाव पर चुपचाप बैठी होती है। तभी अचानक से उसके पीछे से एक चुड़ैल पानी से निकलती है और पानी के अंदर उसको खींच कर ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वे छोटी बच्ची अपनी माँ को लेकर आ जाती है और वो बताती है कि यहाँ पर एक औरत नाव पर थी पर अब वहाँ पर वो नहीं है। फिर हम लास्ट का सीन देखते हैं। जेनी का आधा मुंह पानी से बाहर निकलता है और उसकी आंखें चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, यानी कि अब वो वैसी ही लग रही थी जैसे वो पानी वाले लोग लग रहे थे। और इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।